लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और बेल आइकन दबाइए एवं देखिए मेरे वीडियो आप सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार मेहता है और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी अव्यूह ए का प्रतिलोम हम लोग मात्र एक मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, किसी भी अव्यूह ए का प्रतिलोम अर्थात ए इनवर्स हम लोग मात्र एक मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। ए इनवर्स हम लोग मात्र एक मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें हैं सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग एक देख रहे हैं कि एक एग्जांपल लिए हैं, एक अव्यूह ए मान लिए हैं, यानी अव्यूह ए माने हैं, यानी अव्यूह ए इक्वल टू हो गया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है मोड ए, मतलब सारणिक ए का मान। तो यहाँ से अव्यूह ए से निकाल लिए हैं सारणिक ए का मान, ठीक है, यानी मोड ए का मान। तो मोड ए का मान निकाल लिए हैं। तो मोड ए का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम के ऊपर में लिखते हैं प्लस, सेकेंड कॉलम के ऊपर में लिखते हैं माइनस, और थर्ड कॉलम के ऊपर में लिखते हैं फिर प्लस। यानी यहाँ जो साइन चलता है वो अल्टरनेट चलता है साइन, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। और ध्यान रहे, इस साइड वाला को हम लोग बोलते हैं रॉ और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। याद रखने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं परी और इसको हम लोग बोलते हैं खरी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से पहले वन प्लस वन लेकर चले हैं, तो प्लस वन का खरी और प्लस वन का परी, प्लस वन का खरी और प्लस वन का परी छोड़ दिए हैं। तो आ गया है 4 3 और फिर 3 और 4। तो इसको हम लोग गुणा कर दिए हैं, 4 × 4 हो गया है 16, फिर 3 × 3 हो गया है 9, ठीक है, हो गया 1 × 16 − 9। फिर यहाँ पे −3 लिए हैं, तो फिर 3 का खरी और 3 का परी छोड़ दिए हैं। तो बचता मेरे पास 1 3 1 4, तो इसको 1 × 4 हो गया है 4, फिर 1 × 3 हो गया है 3। तो इस प्रकार आ गया है −3 × 4 − 3। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस 3 लिए हैं, तो +3 का कॉलम और फिर रो अर्थात खरी और परी छोड़ दिए हैं। तो बचता है मेरे पास 1 4 1 3, तो फिर यहाँ 1 × 3 हो गया 3 और 1 × 4 हो गया −4, तो हो गया इस प्रकार 3 × 3 − 4। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 16 में से 9 घटा दिए हैं, तो हो गया 1 × 7, यहाँ पे हो गया है 4 में से 3 घटा दिए हैं, तो हो गया −3 × 1। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 में से −4 घटा दिए हैं, तो हो गया 3 × −1। इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो सॉल्व करने पे मेरा आ गया है कुल 1, यानी मेरा मोड ए का मान आ गया है 1। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं ए इनवर्स का, कि फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय मोड ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, इसी अव्यूह को जो अव्यूह दिया हुआ है इसी अव्यूह को एक बार लिख लेना है। तो हम लोग इसी अव्यूह को हम लोग एक बार लिख लिए हैं, यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, उसी अव्यूह को हम लोग एक बार नीचे में लिख लिए हैं। फिर करना क्या है, इस अव्यूह के ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को एक बार फिर लिख लेना है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को एक बार फिर लिखना है इस साइड में। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, तो देखिए हम लोग लिख लिए हैं फर्स्ट कॉलम को और सेकेंड कॉलम को, यहाँ फर्स्ट कॉलम को लिख लिए हैं और ये सेकेंड कॉलम को लिख लिए हैं। देख सकते हैं 1 1 1, यहाँ भी आ गया 1 1 1, यहाँ देख रहे हैं 3 4 3, तो भी आ गया 3 4 3। फिर करना है कि आप इस अव्यूह से इसका फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को फिर लिख लेना है एक बार नीचे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये 1 3 3 1 3, यानी फर्स्ट रो और इसका सेकेंड रो को फिर लिखना है ये दोनों को नीचे, यहाँ पे लिख लेना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, तो देखिए हम लोग लिख लिए हैं ये फर्स्ट रो 1 3 3 1 3 है, तो यहाँ पे लिख लिए 1 3 3 1 3। फिर यहाँ नीचे देख रहे हैं 1 4 3 1 4 है, तो यहाँ पे लिख लिए 1 4 3 1 4। इसके बाद करना क्या है आप लोग को, इसमें
इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसका फर्स्ट रो को मिटा दीजिए और फिर इसका फर्स्ट कॉलम को भी मिटा दीजिए। फर्स्ट रो को मिटा दिए और फर्स्ट कॉलम को भी मिटा दिए, तो मेरे पास बचता है कुल ये। अभी इसमें करना क्या है, अब यहाँ चलना है कॉलम से, कॉलम से दो दो लेकर चलना है, ठीक है, और लिखना है इसमें रो से। तो देखिए यहाँ लो, हम लोग यहाँ पे इसके देखिए कॉलम से चलना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस ये दोनों से चलना है, तो हम ये दोनों से चले हैं, तो इसको अगर गुना करते हैं तो, और इसको हम लोग गुना करते हैं, 4 × 4 तो 16 और 3 × 3 तो 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो आएगा 7, तो इस 7 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद फिर चलना है नीचे से ये इससे, ठीक है। तो फिर से लोग देख सकते हैं कि 3 × 3 तो 9, 3 × 3 तो 9 और 4 × 3 तो 12, तो 9 में से 12 घटेगा तो आएगा -3, 9 में से 12 घटेगा तो आएगा -3, तो उस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर चलना है इस दोनों से, फिर चलना है इस दोनों से, तो फिर आप देख सकते हैं 3 × 3 और 4 × 3, 3 × 3 और 4 × 3, 3 × 3 आएगा 9 और 4 × 3 आएगा 12, तो 9 में से 12 जाएगा तो फिर आएगा -3, फिर यहाँ -3 को हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ चलना है कॉलम वाइज, यहाँ लिखना है रो वाइज, चलना है कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज, ठीक है। तो ये मेरा एक रो प्राप्त हो गया, फिर चलना है यहाँ से, देखिए यहाँ से फिर दोनों चलेंगे हम लोग, फिर इसको गुना करेंगे 3 × 1 3 और 4 × 1 4, तो 3 में से 4 घटेगा तो आएगा -1, तो -1 लिख लिए हैं सेकेंड रो में। और फिर चलना है इस दोनों से यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 × 1 4 और 3 × 1 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो बचता है मेरे पास 1, तो फिर यहाँ पे 1 को लिख लिए हैं, देख सकते हैं 1 को लिख लिए हैं। फिर चलना है इस दोनों से, फिर चलना है इस दोनों से, तो हो गया 3 × 1 3 और 3 × 1 3, तो 3 × 1 3 और 3 × 1 3, तो 3 − 3 हो जाएगा 0, तो यहाँ फिर लिख लिए हैं हम लोग 0, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, चलना है कॉलम कॉलम से और यहाँ लिखना है रॉ से, तो मेरा सेकंड रो आ गया। अब चलना है इस दोनों से, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ से इस दोनों से चलना है 1 4 1 3, 1 4 1 3, तो 1 × 3 3 आएगा और 1 × 4 4 आएगा, तो 3 में से अगर 4 घटाते हैं तो बचता है -1, तो यहाँ पर लिख लिए हैं -1, ठीक है, लिख लिए -1। फिर चलना है इस दोनों से, तो फिर यहाँ आ गया है 1 3 1 3, तो फिर 1 को गुना करना है 3 से, तो आता है 3, अब फिर 1 को गुना करना है 3 से, फिर आता है 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो बचता है मेरे पास फिर 0, तो फिर यहाँ पर लिख लिए हैं हम लोग 0, फिर लिख लिए हैं 0। फिर यहाँ पर चलना है इस दोनों से 1 3 1 4 से, 1 3 और 1 4 से, फिर यहाँ गुना करना है 1 × 4 4, 1 × 3 3, तो 1 × 4 4 आता है, 1 × 3 3 आता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे फिर बचता है 1, फिर इस 1 को लिख लिए हैं हम लोग यहाँ पे, इस 1 को लिख लिए हम लोग यहाँ पे। इसमें ध्यान रखिएगा, एक बात चलना है हम लोग कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज। तो इस प्रकार मेरा ये आ गया है, इस प्रकार मेरा ये आंसर आ गया है 1 × 1 × 1 × सारणिक 7 − 3 − 3 − 1 − 1 0 − 1 0 1, तो और 1 से गुना करते हैं तो ये सारणिक कितना रह जाता है, तो हो जाता है 7 − 3 − 3 − 1 1 0, फिर −1 0 1, तो ये मेरा हो गया ए इन्वर्स का मान, ये मेरा आ गया ए इन्वर्स का मान, ठीक है, ये मेरा आ गया ए इन्वर्स का मान। आप कोई भी एग्जांपल लेकर इस ट्रिक को आजमा कर देख सकते हैं, आंसर सटीक में सटीक आंसर मिलेगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही ट्रिक वाला वीडियो और आप लोगों के लिए बताता रहूँ। और ये वीडियो आप लोग को ये 12th के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग को ए इन्वर्स निकालने में बहुत ही टाइम की बचत होगी, इसलिए इस मेथड का यूज एग्जाम में जरूर करें, और ए इन्वर्स का क्वेश्चन आता ही है निकालने के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।